और ये मेरी बहन छोटी वाली नाश्ता बना रही है। खाने की तैयारी हो गई है। बाय, बुआ के घर से बाय बाय हो गई, फिर मिलते हैं। चलो फिर बाय बाय, चलो बैठो फटाफट गाड़ी में। एक पार्टी चले गई, फिर हमने दूसरी पार्टी को भी निपटाना है। यहाँ से जाने लगे मम्मी लोग भी। बाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार और नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह सुबह हो गई है और चाय पानी नाश्ता पानी हो चुका है। तो दोस्तों, परसों मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, सारे मेहमान वगैरह हमारे सारे चले गए हैं। घर में बिल्कुल सुनसानी हो गई है, घर की साफ सफाई भी सारी हो चुकी है। हम जाने के बाद ना कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि घर का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उसी में रह गई थी। उसके बाद मुझे जाना था कलश यात्रा में, मैं कलश यात्रा में चली गई थी। उसकी वीडियो आप सभी लोगों को देखने को मिल चुकी होगी। और थोड़ी बहुत जो वीडियो है ना, जो हमारे मेहमान जा रहे थे, मेहमान तो खैर हल्द्वानी वाले हमारे बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, सारे मेहमान हमारे हल्द्वानी वाले शाम को ही निकल गए थे। गाँव वाले मेहमान भी रात को ही निकल गए थे, और कुछ मेहमान थे जो कि दूसरे दिन गए। मेरे मायके वाले थे, मेरी बहन है, मेरी मम्मी लोग और कुछ मेरे भाई के बच्चे थे, वो चले गए दूसरे दिन। तो वो वीडियो भी मेरी ऐसी पड़ी है, तो इसी के साथ ना मैं उसको ऐड करूँगी। तो आप सभी लोग बने रहना मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं घर ना पूरा सूना सूना हो गया है, सारे मेहमान चले गए हैं। तो आपको ले चलते हैं इस वाले रूम से अंदर को। और घर अभी भी अच्छे से ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि घर ना थोड़ा अस्त व्यस्त अभी भी है। इसको थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। और यहाँ पे कुछ रोज़ जो बुगे वगैरह थे उसके मैंने काट के ना इसमें डाल दिए थे, और ये वाले भी जो रोज़ हैं ना वो भी ख़राब होने लगे हैं। अब इनको भी हटाना पड़ेगा इस पानी से, क्योंकि इसमें ना मूर पैदा होने लगे हैं। और ये है हमारा प्यारा सा घर। सुबह का मेरा काम अभी भी हो चुका है, साफ सफाई वगैरह। अब कपड़े वगैरह धोने हैं, और सीटी बगल वालों के वहाँ लग रही है। और घर में ना अभी इधर हमने बेड भी अभी लगाया नहीं है, तब तक बेड हमारा एक बेड यहाँ पर रहता था वो ऊपर ही रहेगा। और मंदिर की जो है ना पूजा पाठ वगैरह भी हमारी हो चुकी है। और ये गिफ्ट वगैरह उस दिन खोल के ना सब ऐसे रखे हुए हैं, ये भी मैंने मंदिर में रख दिए हैं। और ये भी जो उनके गिफ्ट होंगे लड़के वालों के, उनको भेज दिए जाएंगे। और एक आध जो साड़ी और पर्स वगैरह है वो कब्बू अपने लिए रखेगी, और सारी गिफ्टें उनके घर को भेज दिए जाएंगे। उस दिन ये शाम हो गई थी और हम भूल भी गए थे, सारे यहीं रह गए थे। तो ये है मेरा किचन। यहाँ पर भी ना कुछ रोज़ के पेटल, बहुत सारे रोज़ वैसे ही थे ना, मैंने ऐसे रख दिए। इनको सुखाएंगे, सुखा के भी बहुत काम आते हैं, इनकी चाय भी बहुत अच्छी होती है। और इसका ना हम फेस पैक भी बना सकते हैं, रोज़ के पेटल को पीस के और ऐसे मसल के। तो बहुत सारे रोज़ उस दिन के बचे हुए हैं, तो इनको भी मैं यूज़ करूँगी, इनको भी मैं फेंकूँगी नहीं। और ये है मेरा किचन। किचन मैंने अभी अच्छे से साफ़ नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरे ना चाय के पतीले वगैरह सारे यहाँ पे पड़े हैं, किचन के बर्तन भी ऐसे पड़े हैं, ये मैंने साफ़ करना है। और हिमांशु अपना बैठा है बेड में, आज इसकी ना छुट्टी है तो ये भी रेस्ट कर रहा है। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में, मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह धोने भी हैं और फोल्ड करना। तो मैं करती हूँ अपना घर का काम, तो आप सभी लोग ना बने रहना मेरे साथ। मैं अभी थोड़ा अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आप सभी को मिलते हैं। और ये मेरी बहन छोटी वाली नाश्ता बना रही है, सभी लोगों का नाश्ता हो रहा है, और ये जाने की तैयारी भी हो रही है अपने अपने। हमारा ये जाने की तैयारी हो रही थाली, हमारे नजदीक अभी काटेंगे बच्चे बाहर नाश्ता कर रहे हैं, बोल दे थोड़ा। दया, ये बुआ रावी, ये यहाँ लड्डू गोपाल नाश्ता करने आ गई। चाय
पापा का चिकन रह गया यार, तुम आते क्यों नहीं हो यार, तुम्हारी इतनी डिमांड है यहाँ तो। ये सोच समझ के तो आए हो यार, कोई हमें डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कब्बू के शादी में पहले आके हमें खिलाना है जरूर, कोई नहीं रहती तो एक हफ्ता पहले आप। बुआ की पूजा पाठ हो रही है, जय हो जय हो जय हो। सबका टीका बिठा लग गया है, जाने की तैयारियां हो गई है। बाय बाय। वो तो मिशन पे जा रही है दिल्ली। वो मिशन पे जा रही है दिल्ली क्या? वेकेशन पे। मिशन सक्सेसफुल। वो तो गाड़ी में आएंगे, अभी आने की तैयारियां हो गई है। बाय बुआ के घर से, बाय बाय हो गई, फिर मिलते हैं। चलो चलो फिर, बाय बाय, चलो बैठो फटाफट गाड़ी में। एक पार्टी चले गए, फिर हमने दूसरी पार्टी को भी निपटाना है यहाँ से। बाय बाय वल्ली, शादी में मिलते हैं, शादी में अब मिलेंगे हम, शादी में जाने लगे मम्मी लोग भी। बाय। मेरे को भी नहीं दी, रुक रहे रुक रहे हम रुक रहे थे, इसको दक्षिणे दे दी। हाँ इसका दे दो और है? और दे दो मम्मी। बाय। ये भी चले गए। सुबह के बज गए हैं 11 और मैं आई थी छत में कपड़े डालने के लिए, कपड़े धो रखे हैं मैंने तो उनको डालने के लिए आई हूँ अभी। और मौसम की बात की जाए तो मौसम में ना पूरी धुंध हुई छाई हुई है और ऐसा लग रहा है ना कि अभी से कोहरा लग गया है। इस साल लग रहा है कि हल्द्वानी में नवंबर में ही ऐसा कोहरे जैसा मौसम हो गया है। हल्की हल्की सी धूप है और धुंध बनी हुई है। दोस्तों ये फूल ना बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं और कुछ कुछ इनकी फूल है ना सूख गए हैं क्योंकि इनका भी अब टाइम समाप्त होने वाला है। और यहाँ पे ना पालक हो रखा है बहुत ही सुंदर, इस ड्रम में बोया है मैंने लहसुन और पालक। और यहाँ पे मैंने धनतेरस के दिन ही धनिया बोया था, ये भी उगने लग गया है, इसमें भी दो पत्ते आ गए हैं। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ। और ये पाम में भी ना बहुत अच्छे अच्छे से पत्तियाँ आने लगी हैं। ये मैंने अंदर बड़े वाले पेड़ से निकाल के ना उसकी जड़ों से निकाला था तो बहुत सुंदर आ रहा है ये भी। और ये वाले यहाँ पे ना, यहाँ पर भी मैंने लहसुन मेथी बो रखी है और कोई कोई पालक भी जम रखा है इसके बीच में भी। इसमें भी लहसुन बहुत सुंदर हो गया आजकल, मूली के पत्ते भी हो रखे कोई कोई। इस वाले गमले में ना मेरी मूली के पत्ते बहुत ही प्यारे प्यारे मूली के पत्ते हो रखे हैं। तो कुछ मूलियों पर ना जड़ें भी होने लगी हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि इसमें मूली मैंने दूर दूर इसीलिए बोई थी। और मेथी ना इसमें शायद लग रहा है कीड़ों ने खा दी है इसको, मेथी जमते रहती तो उसको कुछ कीड़ा काट रहा है, सूख भी रही है ये। और ये वाले में भी ऐसी हो रखा है। इसमें से मैंने कल मूली के पत्ते ना कुछ पकौड़े बनाने के लिए भी निकाले थे। यहाँ पे ये हो रखा है धुंगार, दुन बोलते हैं, पर मैंने ना इसकी आलू मिक्स करके सब्जी भी बना दी थी तो सब्जी भी इसकी बहुत टेस्टी हो रही थी। चार पौधों का काटो तो हर 10 दिन में फिर हो जा रहा है, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन में फिर काटने लायक हो जा रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे से हो रहा है ये दुन, हमारे यहाँ दुन बोलते हैं इसको और वैसे कहीं इसको धुंगार बोलते हैं। ये हैं हल्दी के पेड़, ये खोदे नहीं मैंने अभी। और इसके बीच में जो अदरक है ना, भी अदरक के भी वैसे ही पड़े हैं अभी, इनके अदरक की कांठे तो निकाल दी, पेड़ ही पेड़ रखे हैं। और ये हो रखे हमारे वहाँ पे संतरी, छोटा सा पौधा है ये,
इतने छोटे से पौधे में इतने सारे संतरे आए हैं, एक ही टहनी पे पापा 10-10 आ रखे हैं इसके। हर टहनी पे तुम्हें चार पाँच का गुच्छा मिलेगा, और इस पे तो पूरी टहनी पे 6 का गुच्छा है, ये पूरे गुच्छे वाला है ये, और इतना छोटा सा पौधा है अभी। तो दोस्तों लंच का भी टाइम हो चुका है और अब बनाते हैं दिन का खाना लंच में। आज देखते हैं क्या बनाते हैं, चलते हैं सीधे नीचे रसोई में। तो दोस्तों आज मैं ना बना रही हूँ खिचड़ी। नीचे आई ना, सोचा क्या बनाऊँ, तो आज मैं इसमें मूंग दाल और थोड़ा सा दलिया और मलका सारी चीज़ें मिक्स करके इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। कभी कभी ना ज़्यादा मसालेदार खाने से ना फिर अजीब सा होता है, तो आज हम बनाते हैं मूंग दाल की खिचड़ी, और इसमें दलिया मिक्स करके ना बहुत ही अच्छा होता है, पौष्टिक भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आज मूंग दाल की खिचड़ी खाई जाएगी। प्याज लिया नीचे। क्या बना रहे हो? मैं खिचड़ी। तुझे इधर आया तूने अभी तो कुछ खाया नहीं, कुछ खा लेता फिर। तो दोस्तों खिचड़ी भी मेरी यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने। इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और एक दो सीटी लगाते हैं साथ में। मैंने बगल में दूध भी चढ़ा दिया है, दूध भी गर्म हो रहा है, तो फटाफट से बनाते हैं लंच और आपको ना फिर मिलते हैं बाद में। शाम के बज गए हैं 7 और आज दिन भर ना कोई भी ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी। तो अभी शाम का खाना भी मेरा आधा बन चुका है, और यहाँ पे ना आज मैंने पीस रखा है हरा धनिया और हरी मिर्च और लहसुन का नमक। इसको ना देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, चटनी जैसी हो रही है, तो इसको थोड़ा ना ऐसे ही सूखने देंगे। नमक के साथ बहुत टेस्टी होती है, गरम गरम रोटियां हो गई, सलाद हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता। आज बूंदी का रायता खाने का मन हो रहा था, तो बूंदी का रायता बना रखा है। नमक तो मेरा धनिया ख़राब हो रहा था ना, तब मैंने धनिया का नमक पीसा। और इधर हमारी प्याज के पत्तों की और आलू की सब्जी बन रखी है सूखी वाली, इसी के साथ रायता ना बहुत टेस्टी लगता है। और आटा भी मैंने गूंद लिया है, इसको भी मैंने इसमें ना ढक के रख दिया है। अभी रोटी बनाते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आप सभी लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। तो जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।